गाइस वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज बेबी फूड में हम बनाने वाले हैं सूजी के अप्पम। अप्पम एक साउथ इंडियन डिश है, इसको हमने सूजी से बनाया है। ये दिखने में जितने प्यारे होते हैं खाने में उतने ही डिलिशियस होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। स्पेशली गर्मियों में तो आप बच्चों को आराम से ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक में दे सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, अलग अलग टाइम पे बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है ये और एकदम से झटपट से बनने वाला है। हम सब चाहते हैं बच्चों के लिए झटपट से बनने वाली रेसिपीज हमें मिल जाए जो कि बहुत हेल्दी भी हो। तो इस रेसिपी को आप देख करके जरूर ट्राई करिएगा। रेसिपी कैसी लगती है इसको कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में रेसिपी को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो कि आई एम श्योर आपको पसंद आती है, बट आप लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, इससे हमें काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से ये रेसिपी देख लेते हैं। आइए सूजी के अप्पम के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच सूजी के लिए हुए हैं, साथ में इक्वल क्वांटिटी में यानी कि 2 बड़े चम्मच ही हमने दही ली है, ये एकदम गाढ़ी दही है, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, अराउंड 1/2 कटोरी पानी, इनो, साथ में टेबल सॉल्ट। आइए फटाफट से ये रेसिपी बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा बोल ले लिया है, उसमें ऐड कर देंगे सूजी, साथ में स्वाद अनुसार नमक, एकदम 1 पिंच इनो। इनो आप स्किप भी कर सकते हैं बच्चों को नहीं देना चाहे तो, बट 1 पिंच से कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके साथ ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दही ऐड करेंगे, पहले 1/2, और एक स्पून की मदद से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब बाकी की बची हुई दही भी इसमें ऐड कर देंगे। दही सूजी को आपस में खूब अच्छे से फेंट लेना है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे हम इसमें, ये ज्यादा गीला ना हो जाए। थोड़ा पानी ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा और पानी हमने ऐड किया था, अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, हल्की सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज्यादा गाढ़ी नहीं ज्यादा पतली नहीं ऐसी। अभी वैसे भी सूजी पानी काफी एब्जॉर्ब करेगा, अभी हमें इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है साइड में, फिर बाद में देखेंगे कि कैसी कंसिस्टेंसी, उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट हो गए हमें इस बैटर को रखे हुए, अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है और पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इन केस आपका बैटर ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर दें। अब आइए इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये अप्पम का साचा लिया हुआ है, ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं, इन केस आपको नहीं पता है, ये अमेज़ॉन पे या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आराम से मिल जाता है, आप इसको ले सकते हैं। इसके शेप्स इतने क्यूट होते हैं कि बच्चों को देख के खाने का मन करता है उसको, और साथ में टेस्टी भी बहुत ज्यादा होता है, हेल्दी भी बहुत ज्यादा होता है। गैस को ऑन करके पहले इसको अच्छे से अप्पम के तवे को हमें गर्म कर लेना है। ये साचा हमारा अच्छे से गर्म हो गया, फ्लेम को एकदम धीमा ही रखना है, पूरे प्रोसेस में फ्लेम को धीमा ही रखना है। अब हमें देसी घी ले लेना है और सभी मोल्ड में अच्छे से इसको डाल देना है घी को। घी डालने के बाद अब इसमें हम अपना बैटर डाल देंगे। तो ये हमने सारा बैटर डाल दिया है इसमें, और अब इसके साथ जो लिड मिलती है उसको हमें इससे कवर कर देना है। अराउंड 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही कवर्ड रखना है। 2-3 मिनट हो गए इसको पकते हुए, एक बार इसको ओपन करके और ऊपर से थोड़ा घी लगा देंगे हम पूरे में। बहुत ज्यादा घी नहीं लगानी है, लेकिन आप ब्रश से लगाइए तो थोड़ा थोड़ा ही इक्वली सब तरफ स्प्रेड हो जाएगा। वापस से इसको ढक के हमें ऐसे ही छोड़ देना है। 5-6 मिनट से हमने इसको ढका हुआ था, अब इसको हम पलट लेंगे। इसी अप्पम तवे के साथ हमको ये लकड़ी का इस तरह का दिया हुआ था जिससे हम इसको पलटते हैं, इनकेस ये नहीं है तो आप स्पून का भी यूज कर सकते हैं। ये जो आप पलटे इसके ऊपर से वापस थोड़ी सी देसी घी लगा देते हैं, ऐसे स्पून से भी इसको पलट सकते हैं।
जो बीच में रहते हैं उन पे ज्यादा फ्लेम लगते हैं, इसलिए उसको जल्दी पलट देना जरूरी होता है। पलटने के बाद फिर से थोड़ी सी देसी घी इन सब पे लगा लेते हैं और फिर से लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारे सूजी के अप्पम बच्चों को खिलाने के लिए। बहुत ही हेल्दी है, इसको जरूर जरूर से ट्राई करिएगा और बहुत ही सिंपल सी भी रेसिपी है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं हम और बच्चों को सर्व करते हैं कोकोनट चटनी, पुदीना चटनी या किसी भी सॉस जिसके साथ बच्चों को पसंद हो आप सर्व करिए। बच्चे जरूर जरूर से इसको पसंद करेंगे। रेसिपी ट्राई करने के बाद अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ।